हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। ओके स्टूडेंट, आज से मैं आपके लिए इनकम टैक्स की सीरीज स्टार्ट कर रही हूँ। ठीक है, तो स्टूडेंट इनकम टैक्स में हमारा फर्स्ट जो टॉपिक होता है वो रेजिडेंशियल स्टेटस फाइंड करना होता है। ओके, मीन आपके इनकम टैक्स में आपके जो एसएससी है, ठीक है, उसमें कौन रेजिडेंट है और कौन नॉन रेजिडेंट है। ठीक है, तो रेजिडेंशियल स्टेटस फाइंड करने के लिए, ठीक है, आज का हमारा ये वीडियो है। ओके, देखिए स्टूडेंट, रेजिडेंशियल स्टेटस के लिए ये सेक्शन 6 के अंडर में आता है। ओके स्टूडेंट, ये जो हमारा रेजिडेंशियल स्टेटस है इसको फाइंड करना, ठीक है, इसके बारे में जो है ये सेक्शन 6 के अंडर में आता है। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट, सेक्शन 6 अंडर सेक्शन 1, ओके, सेक्शन 6 और अंडर सेक्शन 1, ठीक है, इसका मतलब क्या है, ये इंडिविजुअल इज रेजिडेंट इंडिया के लिए है। ठीक है, हम इंडिविजुअल, जब हम एक इंडिविजुअल के लिए फाइंड करेंगे, एक पर्सन के लिए फाइंड करेंगे कि वो रेजिडेंट इंडिया का है कि नहीं है, तो वो सेक्शन 6 अंडर सेक्शन 1 के अंडर में आता है। ओके, तो स्टूडेंट देखिए, हमारा जो हमारा रेजिडेंशियल स्टेटस है टू टाइप का होता है, एक होता है हमारा रेजिडेंट और एक होता है नॉन रेजिडेंट। ओके, तो रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट्स की कुछ कंडीशंस होती हैं, ठीक है, उसको फुलफिल करने पे हमारा ये रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट फाइंड हो जाता है। ओके, देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, मैंने स्टार लगाया हुआ है, एक सेकेंड को मैं मेंशन भी करते जाती हूँ। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट। ओके, तो यहाँ पर स्टूडेंट देखिए, फॉर रेजिडेंट क्या कंडीशन है, फुलफिल बिलो कंडीशन। ओके, फुलफिल बिलो कंडीशन क्या क्या है हमारी, ठीक है, क्या गिवन बिलो कंडीशन है हमारी, फर्स्ट 182 डेज स्टे इन इंडिया और मोर इन रेलेवेंट प्रीवियस ईयर। ओके, मीन आपके जो 182 डेज वो लास्ट ईयर वो रहा हो, ठीक है, लास्ट ईयर वो हमारी इंडिया में 182 डेज रहा हो तो वो रेजिडेंट है। ठीक है, मीन लास्ट ईयर, मीन अभी जो है हमारा 20 to 21 का असेसमेंट ईयर चलेगा, ठीक है, तो हम लास्ट ईयर के लिए फाइंड करेंगे तो वो क्या होगा हमारा, वो हमारा होगा 2019, मतलब 1 अप्रैल 2019 टू 31 मार्च 2020। ओके, यही हमारा प्रीवियस ईयर होगा। तो ये प्रीवियस ईयर में वो जो पर्सन है, वो जो इंडिविजुअल है, वो 182 डेज रहा हो, ठीक है, या तो ये कंडीशन फुलफिल करेगा, और ये कि यहाँ पे और मेंशन किया हुआ है, और या तो 60 डेज इन प्रीवियस ईयर, ठीक है, या तो वो प्रीवियस ईयर में 60 डेज वो रहा हो, ठीक है, 60 डेज प्रीवियस ईयर में रहा हो प्लस, ठीक है, 365 डेज इन प्री पास 4 ईयर। ओके, मीन मान लीजिए अभी आपको मैंने बताया ऐसे कि अभी हमारा जो है 20 to 21 असेसमेंट ईयर चल रहा है, तो प्रीवियस ईयर क्या होगा हमारा, 19 to 20 होगा, तो 19 to 20 में वो 60 डेज रहा हो, ठीक है, प्लस, ठीक है, 19 to 20 उससे 19 to 20 को छोड़कर उससे ऊपर के जो हमारे उससे पहले के जो 4 साल हैं, ठीक है, उसमें वो 365 डेज मीन वो रहा हो। ठीक है, तो अभी तो स्टूडेंट्स को हम थ्योरेटिक क्लियर कर रहे हैं, जब इसको प्रैक्टिकल से क्लियर करेंगे, ठीक है, तो ये ज़्यादा क्लियर होगा। तो स्टूडेंट देखिए, अभी यहाँ पर मैंने आपको दो कंडीशन बताई है, ठीक है, हमारे लिए जो रेजिडेंट के लिए ओनली। ओके, तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ स्टूडेंट, 182 डेज स्टे इन इंडिया, ठीक है, और मोर इन रेलिवेंट प्रीवियस ईयर। ओके, मीन आपका जो रेलिवेंट प्रीवियस ईयर है, जो लास्ट ईयर है, उसमें 182 डेज रहा हो अगर वो, ठीक है, या तो सेकंड कंडीशन है 60 डेज इन प्रीवियस ईयर, ठीक है, 60 डेज रहा हो प्लस 365 प्री पास्ट 4 ईयर, ठीक है, मीन लास्ट ईयर छोड़ के उससे पहले के जो 4 ईयर्स हैं, ठीक है, उसमें वो 365 डेज कंप्लीट कर रहा हो, या उससे ज़्यादा, 365 से ज़्यादा कंप्लीट कर रहा हो। ओके, तो ये स्टूडेंट अगर दोनों कंडीशन में से किसी एक कंडीशन को फुलफिल करता है एक इंडिविजुअल, तो वो रेजिडेंट कहलाता है। ओके, तो वो क्या है, रेजिडेंट। अगर ये दोनों कंडीशन में से कोई भी एक भी कंडीशन फुलफिल इंडिविजुअल नहीं करता, तो वो नॉन रेजिडेंट है। ओके, वो क्या है हमारा, ये नॉन रेजिडेंट है। ओके, तो अब देखिए स्टूडेंट, जब आप रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट फाइंड कर लेते हैं,
तो नॉन रेजिडेंट के लिए तो आपको कुछ फाइंड नहीं करना है, ठीक है, नॉन रेजिडेंट हो गया, ठीक है, वहीं पर डिसाइड हो गया, वहीं फिक्स हो गया। लेकिन अगर आपका इंडिविजुअल रेजिडेंट है, ठीक है, रेजिडेंट है, तो इसमें उसके लिए, रेजिडेंट के लिए एक कंडीशन और भी है कि वो रेजिडेंट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है या नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है। ओके, मीन वो रेजिडेंट तो है, ठीक है, आपने रेजिडेंट फाइंड कर लिया। अगर वो रेजिडेंट है तो वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट है या नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, ठीक है। तो ये ऑर्डिनरी एंड नॉट ऑर्डिनरी फाइंड करने के लिए स्टूडेंट इंडिविजुअल को दो कंडीशन फुलफ़िल करनी होगी, ठीक है। यहाँ पर और का ऑप्शन नहीं है, यहाँ पर दोनों कंडीशन फुलफ़िल करनी होगी, ठीक है। फर्स्ट, वो 370 डेज स्टे इन इंडिया इन प्री पास 7 ईयर, ठीक है। प्री पास 7 ईयर में लास्ट ईयर छोड़ के उससे पहले के 7 ईयर्स में वो 730 डेज इंडिया में रहा हो, ओके। प्लस 2 टाइम्स रेजिडेंट हो वो आउट ऑफ 10 ईयर्स एक्सेप्ट 5 पास्ट ईयर, मीन लास्ट ईयर छोड़ के उससे पहले के 10 ईयर्स में वो 2 टाइम्स रेजिडेंट होना चाहिए, ठीक है। 2 टाइम्स रेजिडेंट होना चाहिए, ठीक है, मीन 2 टाइम्स रेजिडेंट होने के लिए, रेजिडेंट के लिए वही कंडीशन है, ठीक है, 182 डेज, ठीक है, 182 डेज। वो किसी साल में भी अगर पूरे 182 डेज रहता है और वो ऐसा 10 साल में 2 बार होता है तो वो 2 बार रेजिडेंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये 2 टाइम्स रेजिडेंट हो गया आउट ऑफ 10 ईयर्स एक्सेप्ट पास्ट ईयर, ठीक है। तो ये हमारा हो गया ऑर्डिनरी रेजिडेंट के लिए। अगर स्टूडेंट कोई भी इंडिविजुअल ये दोनों कंडीशन फुलफ़िल करता है तो वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो जाता है। अगर ये दोनों कंडीशन फुलफ़िल नहीं करता तो वो नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट होता है, ओके। तो ये हमारा हो गया ऑर्डिनरी रेजिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, ओके स्टूडेंट। अब देखिए यहाँ पे मैंने क्लियर कर दिया आपको, नोट देखिए, इफ़ ही डज नॉट फुलफ़िल बोथ कंडीशन ही डज नॉट कॉल ऑर्डिनरी रेजिडेंट। अगर वो ये दोनों कंडीशन फुलफ़िल नहीं करता है तो उसको हम ऑर्डिनरी रेजिडेंट नहीं कहेंगे, ठीक है। ये तो स्टूडेंट एक पर्सन के लिए हो गया, हम लोगों के लिए हो गया, एक इंडिविजुअल के लिए हो गया, ओके। और अब देखिए स्टूडेंट हमारे हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के लिए क्या है, ठीक है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के लिए क्या है, उसके लिए क्या कंडीशन है। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में भी दो ही होगा, ठीक है, दो कंडीशन होगी, या तो वो रेजिडेंट होगा, ठीक है, और या तो वो नॉन रेजिडेंट होगा, ओके। देखो या तो वो रेजिडेंट होगा या तो वो नॉन रेजिडेंट होगा, ओके। तो अब वो रेजिडेंट होने के लिए क्या कंडीशन है, देखिए यहाँ पे, आ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली इज सेड टू बी रेजिडेंट इन इंडिया इफ़ कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ इट्स अफेयर इज होली एंड पार्टली सिचुएटेड इन इंडिया, ठीक है। मीन इसका पूरा मैनेजमेंट, इसका पूरा कंट्रोल अगर इंडिया से हो रहा है तो ये स्टूडेंट, ये जो हमारी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली कंपनी है, ठीक है, ये हमारी क्या है, रेजिडेंट है, ओके। अगर इसका पूरा मैनेजमेंट और पूरा कंट्रोल हमारी इंडिया में हो रहा है, सिंपल सी बात, ठीक है, इसका कंट्रोल और मैनेजमेंट अगर इंडिया में हो रहा है तो ये रेजिडेंट है, अगर आउट ऑफ इंडिया हो रहा है तो ये नॉन रेजिडेंट है, ओके। तो यहाँ पर देखिए, फॉर नॉन रेजिडेंट के लिए, अ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली इज सेड टू बी नॉन रेजिडेंट इन इंडिया, ओके। यहाँ पे देखिए ये नॉन जो है, मैंने स्टूडेंट यहाँ पर मिसिंग हो गया था तो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया, नॉन रेजिडेंट इन इंडिया इफ़ कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ इट्स अफेयर इज होली सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया, ठीक है। अगर पूरा पूरा कंट्रोल एंड मैनेजमेंट अगर इंडिया से आउट ऑफ है, इंडिया के बाहर है, तो वो स्टूडेंट नॉन रेजिडेंट कहलाएगी, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट नॉन रेजिडेंट है, ठीक है, लेकिन अगर हमारी कंडीशन, एक सेकेंड, अगर हमारी कंडीशन देखिए रेजिडेंट आती है, ठीक है, रेजिडेंट आती है, ठीक है, तो रेजिडेंट आती है तो उसके लिए मैंने बताया था कि रेजिडेंट होगा तो आपको ये भी फाइंड करना है कि वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट है या नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, ओके। तो ऑर्डिनरी एंड नॉट ऑर्डिनरी के लिए क्या कंडीशन है स्टूडेंट, देखिए यहाँ पर देखिए, ऑर्डिनरी रेजिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट के लिए यहाँ पर स्टूडेंट ये कंडीशन है, एडिशनल कंडीशन अप्लाइज ओनली ऑन कर्ता और मैनेजर, ठीक है। ये स्टूडेंट देखिए, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में मेन जो होता है हमारा कर्ता होता है, ठीक है, या उसका मैनेजर होता है।
तो वो देखना है कि वो कर्ता और मैनेजर जो है वो रेजिडेंट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है या रेजिडेंट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है। तो रेजिडेंट और रेजिडेंट ऑर्डिनरी रेजिडेंट होने के लिए क्या होना चाहिए स्टूडेंट, देखिए यहाँ पे 7-30 डेज और मोर इन 7 प्री पास्ट ईयर्स, ठीक है, मीन 7-30 डेज वो लास्ट ईयर छोड़ के, ठीक है, प्रीवियस ईयर में, ठीक है, मीन 7 ईयर्स में वो 7-30 डेज रहा हो, ओके। या तो वो टू बार रेजिडेंट हो, ठीक है, आउट ऑफ 10 ईयर्स में, एक्सेप्ट पास्ट ईयर, ठीक है, मीन लास्ट ईयर छोड़ के उससे पहले वो 10 ईयर्स में टू टाइम्स वो क्या रेजिडेंट रहा हो, ओके। तो स्टूडेंट देखा आपने कि ये जिस तरीके से इंडिविजुअल के लिए ऑर्डिनरी रेजिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट था, ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पर भी ऑर्डिनरी रेजिडेंट और नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के लिए अप्लाई होता है, ओके। तो ये स्टूडेंट हमारा हो गया हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के लिए, ओके। तो ये हमारा हो गया हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। अब हम नेक्स्ट के लिए पढ़ेंगे स्टूडेंट, यहाँ पर देखिए कंपनी के लिए क्या रूल लागू होता है, ओके, कंपनी के लिए। तो स्टूडेंट देखिए कंपनी के लिए कंपनी भी टू टाइप की होगी, एक होगी रेजिडेंट, एक होगी नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, ठीक है, मीन नॉट रेजिडेंट, सॉरी, और रेजिडेंट होगी या तो नॉन रेजिडेंट होगी। तो देखिए रेजिडेंट होने के लिए इफ़ कंपनी इज रजिस्टर्ड इन इंडिया, अगर कंपनी आपकी इंडिया में रजिस्टर्ड है, ठीक है, अगर आपकी कंपनी इंडिया से रजिस्टर्ड है या इंडिया में रजिस्टर्ड है, या तो इफ़ पोयम इज इन इंडिया, ठीक है, इफ़ पोयम इज इन इंडिया का मतलब है, यहाँ पर देखिए पोयम के बारे में मैंने बताया कि पोयम का जो फुल फॉर्म है प्लेस ऑफ अफेक्टिव मैनेजमेंट, ठीक है, मीन उसका प्लेस ऑफ अफेक्टिव मैनेजमेंट एंड कंट्रोल एंड मैनेजमेंट एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मीटिंग्स इंडिया में अगर हो रही हूँ, ठीक है, मीन उसका पोयम इंडिया में हो रहा हो, पोयम का मतलब प्लेस ऑफ अफेक्टिव मैनेजमेंट कंट्रोल एंड मैनेजमेंट एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मीटिंग इन इंडिया, ठीक है, इनमें हो रहा हो, तो ये स्टूडेंट पूरा कंप्लीट तरीके से हमारा रेजिडेंट है, ठीक है। और अगर उसकी बोर्ड ऑफ मीटिंग कंट्रोल मैनेजमेंट, ठीक है, आउट ऑफ इंडिया है, ठीक है, तो वो क्या है, नॉन रेजिडेंट है, ठीक है, नॉन रेजिडेंट हो गया, ठीक है, तो यहाँ पर फाइनल हो गया। अब देखिए रेजिडेंट के लिए, ठीक है, एक चीज़ मैं आपको बता दूँ स्टूडेंट, कंपनी कैन नेवर बी ऑर्डिनरी और नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट इंडिया। कंपनी के लिए, आपके लिए, कंपनी के लिए आप ऑर्डिनरी और नॉट ऑर्डिनरी नहीं निकालें, ठीक है, मीन कंपनी कभी भी ऑर्डिनरी और नॉट ऑर्डिनरी नहीं होती, कंपनी ओनली रेजिडेंट होती है और नॉन रेजिडेंट होती है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा, हमारी कंपनी के लिए सिर्फ दो ही पॉइंट आपको याद रखने हैं, रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट, ओके। अब देखिए स्टूडेंट हमारा आ गया रेजिडेंशियल स्टेटस किसके लिए, फर्म के लिए, ठीक है, ठीक है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन के लिए AOP, BOI बोर्ड ऑफ इंडिविजुअल के लिए, लोकल अथॉरिटी के लिए, आर्टिफिशियल जुडिशरी पर्सन के लिए, ठीक है, इन सब के लिए क्या स्टूडेंट लागू होता है रूल, ये देखिए दो होगा यहाँ पर भी, रेजिडेंट होगा और नॉन रेजिडेंट होगा, ठीक है, ठीक है, यहाँ पर देखिए रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट होगा, एक सेकेंड क्लियर, हाँ, तो रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट है। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट के लिए, रेजिडेंट के लिए क्या कंडीशन है, इफ़ इवन अ पार्ट ऑन दियर कंट्रोल एंड मैनेजमेंट इज सिचुएटेड इन इंडिया, ठीक है, मीन इसका पूरा कंट्रोल और मैनेजमेंट इंडिया में अगर होता है ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर दे विल बी कॉल्ड रेजिडेंट इन इंडिया, ठीक है, लास्ट ईयर उसका पूरा कंट्रोल और मैनेजमेंट अगर इंडिया में हुआ है तो वो रेजिडेंट है, अदरवाइज दे आर ट्रीटेड एज नॉन रेजिडेंट इंडिया, अदरवाइज अगर नहीं हुआ है इंडिया में तो उसको हम क्या करेंगे, नॉन रेजिडेंट कहेंगे, ठीक है। तो इसके लिए भी वही रूल है हमारा। और नोट देखिए स्टूडेंट, इट कैन बी नेवर ऑर्डिनरी और नॉट ऑर्डिनरी, ये जो हमारा है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ठीक है, ये मीन AOP, फर्म, BOI, लोकल अथॉरिटी, आर्टिफिशियल जुडिशरी पर्सन, इसके लिए भी स्टूडेंट ये ऑर्डिनरी और नॉट ऑर्डिनरी नहीं होता, इसके लिए भी ओनली हम रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट असर्टेन करते हैं, मीन निकालते हैं, ओके। तो स्टूडेंट ये हमारा आज का जो वीडियो है हमारा कंप्लीट हो गया है, ठीक है, हमने पूरा जो सेवन्स आपके पर्सन होते हैं, ठीक है, सेवन पर्सन मीन आपके जो सेवन
जो ये सेवन जो हमारे होते हैं, जो हम टैक्स पे करते हैं, जिनको टैक्स पे करना होता है, ये 7 पर्सन ही होते हैं हमारे, ठीक है। तो इनके लिए क्या क्या कंडीशन लगती है, रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट के लिए, ठीक है। और ओनली हमारी इंडिविजुअल एंड हमारे हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के लिए ऑर्डनरी और नॉट ऑर्डनरी आपको निकालना है, अदरवाइज किसी और जो पर्सन है उनके लिए नहीं निकालना, ठीक है। ओनली 7 मेंबर्स में, 7 पर्सन में आपको केवल 2 पर्सन के लिए जो आपको ऑर्डनरी और नॉट ऑर्डनरी निकालना है, अदरवाइज सबके लिए क्या करना है आपको, रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट निकालना है। ओके स्टूडेंट, ओके स्टूडेंट, थैंक यू, ओके बाय एंड टेक केयर, एंड प्लीज़ लाइक एंड कमेंट, ओके एंड गो टू स्टडी।